तो गाइज लंबे टूर पे चल रहे हैं, देघाट के लिए निकल रहे हैं और काफ़ी देर हो चुकी है, हम रेडी हैं बस। फटाक से मेरा हेलमेट कहाँ है, बाइक में ही टंगा है। ठीक है, हम देघाट के लिए निकल चुके हैं, अभी सोनी के बिनसर में पहुँचे हुए हैं। ये सोनी बिनसर का जंगल है, रात को स्टे करेंगे देघाट में, एक दो काम है रास्ते के और निपटाते हुए चल रहे हैं। तो लंबा टूर है, पहुँचते हैं आगे दिखाते हैं आपको माहौल कैसा है क्या है। विज्ञासन पहुँचेंगे और विज्ञासन डीलर से भी मिलवाते हैं आपको। ठीक है, पहुंच रहे हैं। देखो ये नज़ारा है, यहाँ पे जंगल ही है, पहाड़ है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है लेकिन ठीक है। जंगल कितने बढ़िया है ना, यहाँ से बाइक उतारे, यहाँ से ऐसे नीचे को ले जाए वो ऊंची वाली बाइक, बड़ा मज़ा आएगा चलेगी। डाउन डाउन है लगभग 5 किलोमीटर, तो हम डाउन ही चल रहे हैं इस पे। यार इस जंगल में जहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है, देखो दुकानें तो छोड़ो, दूर दूर तक कोई घर नहीं है, और मेरी बाइक की जो है वो चैन उतर गई है। देखो है बाइक की चैन उतर गई। एक अभी किस्सा सुनाता हूँ आपको, पहले बाइक की चैन डाल दूँ। अरे भयंकर, ये भाई चला गई। इस पे हो अगर मेडिगार्ड, मतलब जो उसका चेन का कवर होता है ना, सॉरी मेडिगार्ड बोल रहा हूँ, बस साइकिल का याद आ रहा है मुझे। इस पे चेन कवर होना तो फिर ये चलानी मुसीबत है। एक बार क्या हुआ, उसकी चेन उतर गई और उस पे चेन कवर भी चढ़ा हुआ था। मैं बाइक से जा रहा था ऐसे जंगल में, मैं रुका, मैंने क्या बात हुई, बोला यार चेन उतर गई इसकी भाई साहब, चेन कवर। मेरे पास ये टूल बैग था, मेरे पास इतना टूल है कि मैं चाहूँ तो गाड़ी के दोनों पहिए खोल दूँ। तो मैंने उसका टूल दिया और उसका चेन का वो कवर खुलवाया, उसकी चेन चढ़वाई। वो कह रहा आप तो भैया ईश्वर ही बन गया। मैंने कहा बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस भाई उसका काम हो गया था। खैर अच्छा भैया, मैं पहुंच गया हूँ विज्ञा सेन, ये हमारे डीलर हैं। यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, डिस्कस करते हैं कॉल वॉल के बारे में, 50 चीज़ें होती हैं, क्या चल रहा है, कैसा माहौल है, सेल्स क्या हो रही है, सब कुछ ठीक ही है वैसे। और अब यहाँ से निकलते हैं देघाट की तरफ, चलते हैं। यह जैनल का पुल, ये नदी है, गहराई तो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी ऊपर से जंप मार सकें। पानी साफ है, अंदर दिख रहा है इसके अंदर का। जैनल का पुल है, यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, लेफ्ट में जाता है मानीला डोटियाल को, राइट में देघाट को। हमारा देखा हुआ है एक बार इसी नदी में, उधर आगे इस तरफ, यहाँ इससे भी आगे एक बंदा डूब गया, लड़का दिल्ली से आया हुआ था। उस समय मैं नया नया आया हुआ था पहाड़ पे, फिर मैं भी कपड़े उतार के उसको ढूंढवाने के लिए कूद गया। उसको ढूंढता रहा काफ़ी देर तक, नहीं मिला, लास्ट में मैं चला गया। उसके बाद मुझे बाद में पता चला कि मिल गया था लड़का, उसी बहुत गहरा है उस तरफ। बेर खाने हैं, देखो है? और कुछ तोड़ लेता हूँ। जंगल वाले बेर हैं ये, बड़े भयंकर, ये फंस गए। ये देखो लगे हुए हैं, क्या बढ़िया बेर हो रहे हैं, तोड़ लेता हूँ है? जंगल में बेर खाने का मजा ही, काफल वगैरह सब कुछ होता है इधर, लेकिन वो मौसमी में बेर तो लगे रहते हैं। बढ़िया है, ये देघाट का एरिया है, देखो पहाड़। ये अपनी बाइक नीचे खड़ी, वो खड़ी है, खाने लेता हूँ। यहाँ से देघाट थोड़ी दूर पे है, मैं बस पहुँच रहा हूँ, और लगभग
10 किलोमीटर, 10-15। सूख भी गए हैं, ये बढ़िया है, है। तो जंगल में बेर वेर खा के अपने देघाट आ गया हूँ। अभी बैठा हुआ हूँ डीलर की दुकान पे और थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ। अंधेरा भी हो गया, मतलब देरी हो गई थी मुझे आए हुए यहाँ पे, लेकिन क्या करना है, बैठ जाता हूँ यहाँ पे। होटल पक्का है अपना, कोई दिक्कत ही नहीं। तो चलते हैं अभी बस होटल में, रुकते हैं आज रात को, कल सुबह निकलेंगे जैसा भी होगा। टूर हो गया, टूर आओ तो अच्छा लगता है, और जंगल में बेर भी खाने को मिल गए तो बढ़िया हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही रखते हैं और कल बात करते हैं जैसा होता है। ओके, बाय बाय।